अचार उसी सुगंध में बर्बाद हो जाएगी। जैसे उस पात्र को साफ करके करने की जरूरत है, वैसे ये शरीर, ये आत्मा आपका, ये भी एक पात्र है भगवान को बैठाने का, मन मंदिर है, इसको पवित्र रखो। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, भगवान ने खुद कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल चन साड़ी चतुराई, मन क्रम वचन साड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, निर्मल मन हरेरवनताखिल लोक तीव्रम शोकाश्रु सागर विशेषण मत्वारम सम्मोहनाय रचितम निजमाय यस्य भ्रूमंडलम मुनिकृति मकरध्वज। मां, इस संसार को मेरी हंसी देखना चाहिए। आप भगवान को देखते हैं ना, ये जो आपके सामने लाला बैठे हैं, ये 125 साल इस धरती पर रहे, ये पैदा कहां हुए, जहां डाकू लोग बंद होते हैं जेल में, 6 दिन में इनको पूतना मारने आ गई, 1 साल के अंदर त्रिणावर्त अघासुर ये सब आ गए, और जिस दिन ये 11 वर्ष 56 दिन के हुए हैं, उस दिन इन्होंने कंस को मार डाला है। इतने में पूतना अघासुर व्योमासुर काली नाग का दहन गिरिराज को उठना, कितना काम बेचारे किए हैं। और जब कंस को मार करके द्वारिका का निर्माण करके बैठे, तब तक रुक्मिणी जी का पत्र आ गया, वहां गए विवाह करने के लिए, वहां भी मारपीट हुई। 16,108 रानियों को ला करके जब घर में बैठाया, तब तक पांडवों ने कहा मेरी रक्षा कीजिए, चले गए महाभारत के लड़ाई में व्यस्त है। 125 साल का कोई दिन ऐसा इनका नहीं बीता है कि जो संघर्षों से भरा ना रहा हो, या एक दिन ये सुकून से द्वारका में बैठे हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। ये संदेश देना चाहते हैं कि इस धरती पर आकर मैं ही संघर्ष में व्यस्त रहा, अगर आप लोगों पर संघर्ष आए तो मायूस मत होना, परेशान मत होना, इसका निराकरण मैं करता रहूंगा। आपने कभी भगवान को यह नहीं देखा होगा कि सर पर हाथ रख करके आज बैठे हो, नहीं। हासम हरे मां, और इससे यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार में सदैव जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो भी मेरी एक प्रकार की भक्ति है। सदैव प्रसन्न रहना, सदैव मुस्कराना, ये भी भगवान कहते हैं मेरी भक्ति। हे मां, हंसते हुए भगवान का चिंतन करो। महारानी देवहूती भगवान से मंगलमय वाक्य सुन रही है। भगवान कपिल कहते हैं, मां उल्लू होता है ना, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, वो रात को देखता है, और कौवे को रात में नहीं दिखाई देता है, वो दिन में देखता है। तो उल्लू और कौवे की जो गति है वो संसार वालों की होती है। एक काम
करना। ये संसार एक रंगमंच है, इस पर जितने लोग पैदा हुए हो आपका अपना अपना काम है, अभिनय पूरा कर लो, उसके बाद यहां से चले जाना है। ये पूरे जीवन के सफर की बात आपसे करता हूं। ये घर परिवार वाले चाहे जितना इनसे प्यार कर लो, चाहे जितना इनको गले लगा लो, अभी शाम को अगर श्वास बंद हो जाए तो रात में ही फ्लैट से निकालकर आपको बाहर खींच करके कर देंगे। ये पूरी रात भी आपको फ्लैट में लेटाए नहीं रहेंगे। इस जीव का वास्तव में संबंध परमात्मा से है मां, और लोग मुझे भूल जाते हैं। तुम किसके बल पर जी रहे हो? घर परिवार बेटा बेटी के बल पर, जो हाथ पांव मां के गर्भ से लेकर हम लोग पैदा हुए, जब हमारी अवस्था होती है तो हमारे घुटने हाथ पांव अपने आप को जवाब देने लगते हैं। जब अपना अंग में आपको जवाब दे रहा है तो तुम्हारा कौन सहयोग करेगा? अरे मां, जीव का एक सच्चा हितैषी और जीव का एक सच्चा साथी है, और उस साथ वो साथी मैं ही हूं मां। लेकिन व्यक्ति जब धर्म का आचरण करता है, मेरी शरणागति ले ले, तो मैं उसका कल्याण कर देता हूं। अरे जीव, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ने वाला है नहीं, तू चल परमात्मा की तरफ। कवियों ने उत्प्रेक्षाएं दी, आइए चार लाइनों में आनंद लेते हैं। आप लोग भी पीछे से गाते रहिए, भगवत शरणागति से कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण जाने के बाद।
शरणागति लेनी चाहिए और भागवत कहती है कि भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस संसार में आपका भगवान के सिवा कोई नहीं है, यह बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। भगवत शरणागति के तरफ आप चलिए, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। माता, ये संसार में जितना बड़ा निर्माण है ये सब नाशवान है, एक मैं शाश्वत हूं। जो बिल्डिंगें आज बनी है ये 50 साल 100 साल बाद नीचे गिरेंगी, जो पेड़ आज लगे हैं ये कल गिरेंगे, जो मनुष्य आज पैदा हुआ है वो कल मरेगा, ये सृष्टि का नियम है और ये अकाट्य सत्य है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस धरती पर बार बार जन्म न हो, बार बार मरण न हो, इसलिए निर्वाण होकर के मां व्यक्ति को मेरी
भक्ति करनी चाहिए। ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुःखतन्त्रे स्वतंत्रता। संसार चलता है कूट धर्म पर। ये कूट धर्म क्या है? एक ही आदमी आपसे कुछ बोले और मुझसे कुछ बोले, तीसरे से कुछ बोले, ये लोग कूट धर्मी है महाराज। ये कूट धर्म करके संसार को चलाते हैं और इस धर्म से कल्याण नहीं होना है। धर्म अगर आएगा तो भगवत धर्म से जीव का कल्याण होगा। अब जब इस संसार में हम अगर हैं तो यह संसार ईश्वर का है, यह हमारी भावना हो और हम जहां रहे उनके भगवत भक्ति में मस्त रहे, यह भगवान से हमें काम मांगना चाहिए। और भक्ति ऐसी करना मां जो दासत्व भक्ति करे। इसका मतलब समझा दूं आपको, अगर आप भगवान की पूजा न कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं उनका तो सहयोग कर दो तो भी भगवान की पूजा मान ली जाएगी। दास दासा अनुदासा, भक्ति करना दासत्व। अगर कोई काम अच्छा हो गया तो कहना कि कन्हैया की कृपा थी, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो भी कहना कन्हैया की कृपा थी। अच्छा हो जाए तब ना कहना कि मैंने किया, और गड़बड़ हो जाए तो कह दे कन्हैया को मंजूर नहीं। ये गलत नहीं करते हैं, इनके यहां गलती नहीं होती। इन्होंने तो कह दिया कि कर्मणे वा अधिकारस्ते। इन्होंने तो कह दिया है कि भाई सुख दुख मैं किसी को नहीं देता, वो अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति पाता है। इसलिए हे मां, भाव से कुभाव से जो व्यक्ति मेरा भजन करते हैं मैं उनका कल्याण कर देता हूं। और गोस्वामी जी के मानस में देखना, गोस्वामी जी के मानस में भगवान स्वयं कहते हैं ये गांठ बांध लो। ए मां, मैं जीव का मंगलमय कल्याण करने के लिए अगर वो मेरा स्मरण कर रहा है तो मैं उसके पीछे खड़ा हूं। वो भाव से, वो कुभाव से, वो अभाव से, भाव कुभाव अनख ऐसे वाक्यों को श्रवण करके पिघल गई। सज्जनों, प्रेम की नव परिस्थिति है, और जब ये प्रेम और प्रेमा भक्ति
जब दसवीं परिस्थिति में पहुंच जाता है तो व्यक्ति वहां पिघल जाता है। महारानी देवती का शरीर पिघल गया, संभवदा वो सिद्धिदा नाम की नदी बन गई और भगवान उस सिद्धिदा के नदी के जल से आचमन करके अपने मां को प्रणाम किया और सीधे चले आए गंगा सागर, जहां गंगा और सागर का मिलन होता है कलकत्ता में। वो गंगा सागर क्षेत्र परम पावन है, इसी संक्रांति पर पूरे देश के लोग जाकर के गंगा सागर में स्नान करते हैं। वहां भगवान का मंगलमय कपिल भगवान का आश्रम है। कपिल ने अपने मां को बता दिया कि भक्ति की धारा में जीव बह करके मुझे प्राप्त कर सकता है और हम लोगों को अपने जीवन में भगवान कपिल के सांख्य का उपदेश धारण करके भगवान को प्राप्त करने की दिशा में चलना चाहिए। बोलिए कपिल भगवान की जय। इधर महारानी देवती सिद्धिदा नदी के रूप में प्रवाहित हो गई, भगवान कपिल चले गए। और इधर ध्यान देना, देवहूती की एक बहन है जिनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था और उसके 16 कन्याएं पैदा हुई महाराज, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया और 14वीं 15वीं 16वीं स्वाहा स्वधा और सती ये अग्नि के साथ पितरों के साथ, और सबसे छोटी लड़की दक्ष प्रजापति की थी जिनका नाम था सती। सती महारानी का विवाह भगवान शंकर जी के साथ दक्ष प्रजापति ने किया। ध्यान देना, धर्म के 13 पत्नियां हैं, श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा और लज्जा। यह धर्म का परिवार है महाराज। श्रद्धा के पुत्र का नाम है शुभ, मैत्री के पुत्र का नाम है प्रकाश, दया के पुत्र का नाम है अभय, शांति के पुत्र का नाम है सुख, तुष्टि के पुत्र का नाम है मोद और क्रिया के पुत्र का नाम है योग, उन्नति के पुत्र का नाम है दर्प, बुद्धि के पुत्र का नाम है अर्थ, मेधा के पुत्र का नाम है स्मृति और तितिक्षा के पुत्र का नाम है क्षेम और लज्जा के पुत्र का नाम है विनय। ये धर्म की वंशावली है और अधर्म की वंशावली भी सुन लो। अधर्म के पत्नी का नाम है मृषा। मृषा माने झूठ। जहां झूठ नहीं होगा वहां अधर्म हो ही नहीं सकता है। अधर्म पति पत्नी, अधर्म के पत्नी का नाम मृषा और इनके एक लड़का एक लड़की, इनके दो संतान, लड़के का नाम है दंभ और लड़की का नाम है माया। ये महाराज अधर्म के औलाद हैं। दंभ बेटा है और माया बेटी है। ये कहने सुनने को तो बहन भाई है लेकिन इन्होंने आपस में बाद में विवाह कर लिया, ये पति पत्नी भी है। अब आप कहिए महाराज विवाह क्यों कर लिया, अरे खानदान या धर्म क्या है, तो ये धर्म कहां से करेंगे बेचारे। दंभ और माया ने जब विवाह कर लिया तो इनके एक लड़का पैदा हुआ उसका नाम है लोभ और एक बेटी पैदा हुई उसका नाम है कृपणता। लोभ और कृपणता ये आपस में भाई बहन भी है और पति पत्नी भी है, इन्होंने भी विवाह कर लिया। जब लोभ और कृपणता ने विवाह किया तो इनके एक बेटा पैदा हुआ उसका नाम क्रोध और एक बेटी पैदा हुई उसका नाम है हिंसा। ये क्रोध और हिंसा ये दोनों अधर्म की औलाद है महाराज। ये भाई बहन है और इन्होंने फिर विवाह कर लिया क्रोध हिंसा ने, तो ये पति पत्नी हो गए। क्रोध और हिंसा से फिर एक बेटा पैदा हुआ
उसका नाम है कली, ये कलयुग, और एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है दुरुक्ति। दुरुक्ति माने संस्कृत में गाली, दुरुक्ति माने गाली। दुरुक्ति और कली ने फिर विवाह कर लिया, इनसे पैदा हुआ भय नाम का बेटा और मृत्यु नाम की बेटी पैदा हुई। भय और मृत्यु ने जब विवाह किया तो इनसे यातना और नरक की उत्पत्ति हुई। नरक पुत्र है और यातना बेटी है, ये अधर्म का परिवार है। इसको मैंने इसलिए पढ़ दिया है, भागवत में लिखा है कि इनको पढ़ने से ये सर पर नहीं लदते हैं और शुभ होता है, फल होता है, इसलिए मैंने इनका स्मरण कर लिया है। क्योंकि कलिकाल में, कथाओं में कलिकाल रहता जरूर है, इसलिए उसको पढ़ा कि कोई विघ्न न डाले। आइए, ये अधर्म का वंशज है महाराज। तो चलते हैं विषय पर। महारानी सती का विवाह दक्ष प्रजापति ने शंकर जी के साथ कर दिया। ये कथा जगत विदित है, आप जानते हैं, और मैं बहुत लंबे इतिहास में नहीं जाना चाहता क्योंकि विस्तार बड़ा लंबा है और समय बहुत अल्प दिखाई दे रहा है। महारानी सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से नाराज रहते थे। दक्ष प्रजापति ने दोबारा यज्ञ ठाना, पूरे भूमंडल को बुला लिया, लेकिन अपने भगवान, अपने सबसे प्रिय बेटी न तो सती को बुलाया और न भगवान शंकर को बुलाया। अंत में सती जी गई है यज्ञ में पिताजी के, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आया। सती जब भगवान शंकर के पास है तब उनको पिता की याद आ रही है, और जब पिता के घर आई तो पति का मोह उनको चढ़ गया। भगवान शंकर का अपमान किया दक्ष प्रजापति ने, और यह अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके अपने पिताजी के घर खाक कर दी। ये समाचार जब दक्ष प्रजापति को, जब भगवान शंकर को मिला तो वीरभद्र इत्यादि को भेज करके भगवान शंकर जी ने दक्ष के यज्ञ का को विध्वंस करा दिया। भृगु आदि ऋषियों को दंड दिया गया। अंत में भगवान शंकर का स्तवन किया है देवताओं ने, और शंकर जी को लेकर के आए हैं। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर काट दिया था, उसको बकरी का सर भी लगा, और शंकर जी की स्तुति करके फिर उस यज्ञ को पूरा किया। आइए थोड़ा भगवान शंकर का स्मरण कर लेते हैं हम, उसके बाद चलते हैं भागवत जी के सारांश की तरफ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। काशी के बाबा विश्वनाथ मंगलम, तो वे भगवान आशुतोष का ध्यान करेंगे। Oh,
के बाबा चलते हैं। आपने देवहूति के बारे में, आकुति के बारे में, प्रसूति के बारे में सुना और स्वयंभू मनु महाराज के दो बेटे थे, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपद। उत्तानपद संसार में जानते हो किसे कहते हैं? उत्तान माने होता है उल्टा। जिसका सर नीचे हो गया हो और पैर ऊपर उठ जाए वो है उत्तान पाद। और व्यक्ति उत्तान पाद बनता कैसे है तो कहा, जब सुनीति, जब वो सुंदर नीति को छोड़ देता है और सुरुचि, जो उसे रुचे उसको ले लेता है, तो व्यक्ति उत्तानपाद बन जाता है। उत्तानपाद राजा की बड़ी धर्मशीला, बड़ी पतिप्रिया पत्नी थी महारानी सुनीति जी। के सुरुचि को ला करके घर में बैठा लिया। जब सुरुचि को ले आई, सुरुचि जब घर में आई तो उसने उत्तानपाद से पूछा, ये कौन है? तो कहा, ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। कहा, इसको घर से इसी समय निकाल दो, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को छोड़ दिया और उस अवस्था में छोड़ा जब वो बेचारी गर्भवती थी। वो जंगल में जाकर के बैठ गई, किसी ने उनके लिए झोपड़ी बना दिया, वहां कुछ संत महात्मा थे, वही अपना समय बिताने लगे। और एक अद्भुत बालक को जन्म दिया सुनीति ने उसी कुटिया में। उस बालक का नाम पड़ा ध्रुव।
और जो सुरथी को राजा लेकर के आए थे उनके बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव जी महाराज जब 5 साल की हो गई, खेलने जाते हैं, उस जंगल में रहने वाले बच्चे उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हम वनवासी हैं, हम लोग गिरिवासी हैं, तुम्हारा स्वरूप हमसे नहीं मिलता जुलता है, तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुमको लगता है कि तुम बहुत अच्छे घर के हो, हम लोग गिरिवासी हैं, हम वनवासी हैं, हम जंगली लोग हैं, लेकिन ध्रुव तुम्हें देखने के बाद यह नहीं लगता है कि तुम हमारे में से। इस राष्ट्र को लीजिए, इस भारत को, ये संभावनाओं का भरा देश, ये विविधताओं से भरा देश, लेकिन ये एकता के सूत्र में बंधा हुआ देश, इसीलिए भारत देश को महान कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न पंथ, विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न तरीके से भगवत उपासना करने की पद्धति भारत में पाई जाती है। उत्तम ने अपनी मां से, ध्रुव ने अपनी मां से पूछा, मां आज तू ये बता दे कि मेरा पिता कौन है। लेकिन सुनती बच्चे को इस चीज को नहीं बताना चाहती कि बच्चा सुनेगा तो उसे कष्ट होगा। लेकिन बच्चे ने जब ध्रुव को बहुत परेशान कर लिया तो ध्रुव अपनी मां का गला पकड़ करके बैठ गए, कहा मां आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं किसका बेटा हूं। सुनीति की आंखें भर गई। ध्यान देना शब्दों पर, मेरी आंखों से पानी टपकने लगा। दास ने भी आपसे कहा है कि भक्ति और प्रेम की 10 दशा होती है। जब प्रेम 10वें भाव में जाए तो व्यक्ति के नेत्रों से पानी टपकने लगता है, और आंखों से पानी टपकता है दो तरह से, ध्यान देना शब्दों पर। जब आदमी दुख में कभी रोने लगता है तो आंखों के आंसू कोर से गिरते हैं, किनारे से, आंखों के कोने से, और वो गर्म होते हैं, ध्यान देना। लेकिन जब प्रेम से कभी आंखें भर जाती हैं तो वो आंखों का पानी आंख के बीचों बीच भाग से नीचे टपक जाता है, वो कोरे में नहीं आता है लेकिन वो ठंडा होता है। प्रेम का आंखों में भरा जल शीतल, और दुख में रोया हुआ व्यक्ति का आंसू गर्म। सुनीत ने कहा बेटा अगर तू जिद कर रहा है तो जान ले, ये पताका जान दो किसकी लहरा रही है, जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, जहां से सूर्य की सीमा है उदय होने की, और जहां तक जाने की क्षमता है वहां तक जिसका राज्य है, जानते हो राजा कौन है बेटा। ध्रुव ने कहा मां वो महाराज उत्तानपाद है। सुनीति ने कहा बेटे तुम उन्हीं के बेटे हो। ध्रुव की आकांक्षा बढ़ी और ध्रुव ने कहा मुझे राज्य सत्ता चाहिए मां, हम राजा के बेटे होकर इस जंगल में अनाथ की तरह पड़े अपना समय बिता रहे। सुनीत ने कहा बेटा भगवान राम ने अपना समय 14 साल जंगलों में काटा था, भगवान कृष्ण 125 साल रहे धरती पर जंगल में तमामों भटके। अरे बेटा जो वन में गया वही बन गया, और जो वन में गया नहीं वो बना भी नहीं, तुम वन में आए हो तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम बनोगे, जरूर राजा बनोगे, तुम जरूर राजा बनोगे। श्री ध्रुव जी अपने पिता के पास गए और पिता के गोद में जाना चाहते थे, तब तक राजा ने ध्रुव को जैसे पकड़ा सुरुचि आई और उठा करके झिटक दिया बालक ध्रुव को,
और कहा उत्तम को बैठा दिया, कहा कि तुम्हें अगर इस राज सत्ता पर बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। देखिए यहां एक अभिमान की बात है, सुरुचि को यह लगा कि मेरा गर्भ ज्यादा पवित्र है, वो ये भूल गई कि भगवत कृपा संसार में सबसे बड़ी है, भगवान के कृपा से ज्यादा पवित्र उसने अपने गर्भ को माना। श्री ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास आए, मां आज छोटी मां ने इस तरह से कहा है, अब आप ध्यान दीजिए, यहां बड़ी मार्मिक बात बोलने चल रहा हूं भागवत जी से। ध्रुव जी ने कहा बेटा कहने दो ना, तुम्हारी मां ही तो है। यहां पर सुनीति ने ध्रुव को जरा सा भड़काया नहीं, और जितना शब्द सुरुचि बोली है वो सब सुनीति जी कहती सब तो ठीक है बेटा, तुम्हारी मां ने तुम्हें भागवत स्मरण करने के लिए कहा है, ठीक है वो मां है, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, और सुख और दुख निभाना जानते हो किससे सीखना चाहिए, सुख और दुख अगर निभाना सीखना चाहते हो तो इन फूलों से सीख लेना, ये चाहे जनाजा जा रहा हो और चाहे बारात जा रही हो साथ नहीं छोड़ते हैं, बेचारे रहते हैं, लेकिन व्यक्ति का अंदाज, व्यक्ति जिस दिन इस फूलों की सैया पर सोता है ना, जब यह आदमी फूलों की सैया पर सोता है तो कहता है कि आज हमारी पहली रात है, और ये फूल जिस दिन तुम्हारे ऊपर सो जाएंगे वो रात तुम्हारी फिर आखिरी होगी, जिस दिन आप सोए तो पहली रात, और ये आप पर सो गए तो फिर वो आपकी अंतिम रात भी है, ध्यान देना। मन और मकान को समय समय पर साफ जरूर कर लेना, मकान में बेवजह का सामान पड़ा रहेगा तो घर बेकार लगेगा, और मन में बिना मतलब की गलत फहमियां भरी रहेंगी तो वो भी कचड़ा हो जाएगा। एक बात याद रखना, जीवन में इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, चेहरे बदलता है, उसके बाद भी परेशान रहता है, जाते हो क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। और उम्र भर गालिब तू यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अरे चेहरा साफ करो, आईना साफ करने से साफ नहीं हो जाओ। आइए थोड़ा भगवत स्मरण करते हैं, उसके बाद चलते हैं श्री ध्रुव जी की तरफ। बोले भक्त वत्सल भगवान की, सब लोग भगवान के पवित्र नामों का आइए जप करें। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, Oh,
वल्लभसर भगवान की जय, वल्लभ सरकार की जय। माता सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी मां ने कुछ गड़बड़ नहीं कहा है। बेटा इस संसार में भगवान की कृपा के बगैर किसी को कुछ प्राप्त होता नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, मां आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं जंगल जाऊंगा और जब भगवान मिल जाएंगे तब मैं लौटूंगा। महारानी सुनीति की आंखों में पानी भर गया और सुनीति ने कहा, बेटा तुम अभी बहुत बच्चे हो, जंगल बड़ा दुखदाई होता है मेरे लाल, जंगल में बहुत सारे हिंसक जानवर और तुम मेरे लाडले अकेले हो, अगर तुम चले गए तो मैं तो मर जाऊंगी। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं बेटा, बालक ध्रुव ने सुनीति से कहा, मां फिर कैसे मिलते हैं आप बताओ ना। कहा, बेटा तुम जाओ जंगल और भगवान से ही संबंध जोड़ना, संसार के संबंधों में तो बड़ी दिक्कत है, ये निभाते निभाते आप थक जाएंगे लेकिन लोग संतुष्ट भी नहीं होंगे आपसे। इस धरती पर सबको संतुष्ट भगवान राम नहीं कर पाए तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, हम कैसे कर सकते हैं, संभव नहीं। हां बेटा, भगवान कहां रहता है मां, भगवान कहां रहते हैं, उनका वास कहां है बताओ। सुनीति की आंखों से आंसू टपक पड़ा, उन्होंने कहा, बेटा वो तो अड़ोर अड़ियान महतो महियान, एक छोटे से कण से लेकर एक बड़े परमाणु तक वो हर जगह बैठे हैं। कहां हूं सो कहां, जहां प्रभु नाहीं। इस संसार में कोई ऐसा स्थल नहीं है कि जहां भगवान नहीं है। बालक ध्रुव अपने मां के ही बच्चों को देह मान करके और अपनी मां को ही अपना गुरु मान करके आगे बढ़े। इस संसार में जितने बच्चे हैं, इस संसार के हर बच्चों की मां उसकी पहली गुरु होती है। ये मां चाहे तो बच्चे को चाहे जेबकतरा बना दो, चाहे विद्वान बना दो, चाहे संत बना दो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बना दो, जो चाहो उसका निर्माण आप कर सकती हैं। माता सुनीति का वाक्य ध्रुव जी को साल रहा है और वो जंगल के रास्ते पर चल पड़े। सोचते हैं गुरु कहां मिलेंगे, मैंने तो सुना है कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। संसार में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अब गुरु हम कहां करें, गुरु कैसे मिले। प्रहलाद जी और ध्रुव जी, वाल्मीकि जी और व्यास जी, ये चार नाम मैं ले रहा हूं और ये चारों महात्मा नारद के चेले हैं महाराज। दो वृद्ध शिष्य और दो बाल शिष्य, श्री प्रहलाद जी, श्री ध्रुव जी, श्री व्यास जी और श्री वाल्मीकि जी।
दास ने कल भी निवेदन किया था आपसे कि जिसको नारद मिले उसको भगवान जरूर मिले। महात्मा नारद जी ध्रुव के पास आ जाते हैं। नारद जी ने पहले सवाल पूछा किसके पुत्र हो, कहा राजा उत्तानपाद के, कहा जा रहे हो, कहा जंगल जा। महात्मा नारद जी ने कहा जंगल में बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हें पता है। ध्रुव जी ने कहा तो भगवान भी तो जंगल में रहता है रक्षा करने के लिए। देखिए संबंध बनाने चले हैं और संबंध में जब तक विश्वास न हो वो संबंध टिकता नहीं। नारद जी ने यह सवाल करके पहले यहां कहा कि बालक का विश्वास क्या है जंगल के प्रति, भगवान के प्रति, तो विश्वास में ध्रुव जी महाराज पक्के निकले। वो यही देखना चाहते थे इस बालक का विश्वास भगवान और जंगल में कैसे है। कहा जंगल में जंगली जीव है, तो बालक ने कहा उसी जंगल में भगवान भी तो बचाने के लिए बैठे हैं। नारद जी समझ गए अधिकारी शिष्य है, इसका विश्वास तो ठीक है। दूसरा सवाल नारद जी ने कहा बेटा जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मर जाओगे भूखे। तो बालक हंसा, ध्रुव जी हंस पड़े, कहा कि मेरी मां कह रही थी कि जब दांत न थे तब दूध दिए, अब जब दांत दिए तो तुमको अन्न भी दिए हैं। जो मां के गर्भ में हमको मरने नहीं दिया, खाना खिलाया, वो पैदा होने मार डालेगा। जंगल भी तो उनका है, ये वो खिलाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अब महात्मा नारद जी कहा इसका मतलब इसकी श्रद्धा भी, बालक की श्रद्धा भगवान के प्रति अटूट है। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक श्रद्धा नहीं हो सकती, और जब तक श्रद्धा पुष्ट नहीं होगी तब तक भगवान का दर्शन भी जीव को नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान ने खुद कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा राम सिया राम। मम दर्शन फल परम बच्चे का विश्वास भी है परमात्मा में और बच्चे की श्रद्धा भी है। चलो दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, विश्वास पक्का है, श्रद्धा है। महात्मा नारद जी ने ध्रुव जी से यह कहा कि तुम लौट जाओ, ये जंगल बड़ा भयंकर है, पता नहीं भगवान ना आए तो। बालक खिलखिला करके हंसा और कहा तुमने भगवान को देखा है? तो महात्मा कहते हैं नहीं। बालक ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं नारद हूं।
तो बालक चौंक करके कहा कि आप नारद जैसे लग तो नहीं रहे। महात्मा नारद जी ने द्रौपदी से कहा, बेटा मैं वास्तव में नारद हूं। कहा वो तो बीड़ा लिए भगवान का भजन करते हैं, वो इतना सवाल थोड़ा पूछते हैं। नारद जी ने अपनी तदाकार दृष्टि से दर्शन दिया श्री ध्रुव जी को और पकड़ करके वात्सल्य भाव से अपने हृदय से लगा लिया। कहा बेटा मेरा तो हृदय भर आया तुझे देख करके, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए ध्रुव, तुम्हें भगवान मिलेंगे। नारद जी ने भगवान को प्राप्त करने का मंत्र दिया श्री ध्रुव जी को और भगवान को प्राप्त करने का मंत्र जब कोई गुरु कालरंध्र में शिष्य के कह देता है और शिष्य उस मंत्र का ताल करे, उसको जपे, भगवत प्राप्ति जीव को निश्चित हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रम ये द्वादशाक्षर मंत्र है। महात्मा नारद जी का दर्शन करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करके इस मंत्र का आदान करने के लिए ध्रुव जी बैठ गए। पहला महीना चला, तीन तीन दिन तक कुछ नहीं खाते, फल खा लेते। दूसरा महीना चला, छह छह दिन कुछ नहीं खाते, छठवें दिन थोड़ा पत्ता खा लेते। त्रांते त्रांते प्राप्ते कपित्वदराशन, पंचमी मास्य मनु प्राप्ते जिता स्वासो नृपात्मज। जब पांचवा महीना शुरू हुआ तो श्री ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया। एकदम सन्नाटा छा गया, अपने प्राण उदार समान वायु को रोक करके श्री प्रहलाद की तरह श्री ध्रुव जी महाराज एक पैर पर खड़े होकर के, जब अपने उन्होंने वायु को रोका तो सबके प्राण अवरुद्ध हो गए। देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी नारायण के पास, और भगवान नारायण का दर्शन बालक ध्रुव को हो गया। भगवान की स्तुति कैसे करें,